पूजा के अधिकार की सिद्धि के लिए सामान्यतः स्नान विधि। नारद जी बोले, विप्रवरों, पूजन आदि क्रियाओं के लिए पहले स्नान विधि का वर्णन करता हूँ। पहले नरसिंह संबंधी बीज या मंत्र से मृतिका हाथ में लें, उसे दो भागों में विभक्त कर एक भाग के द्वारा नाभि से लेकर पैरों तक लेपन करें, फिर दूसरे भाग के द्वारा अपने अन्य सब अंगों में लेपन कर मल स्नान संपन्न करें। तदनंतर शुद्ध स्नान के लिए जल में डुबकी लगाकर आचमन करें, नरसिंह मंत्र से न्यास करके आत्मरक्षा करें। इसके बाद तंत्रोक्त रीति से विधि स्नान करें और प्राणायाम आदि पूर्वक हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से हाथ में मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करें। फिर नरसिंह मंत्र के जप पूर्वक उन तीनों भागों से तीन बार दिग्बंध करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस वासुदेव मंत्र का जप करके संकल्प पूर्वक तीर्थ जल का स्पर्श करें। फिर वेद आदि के मंत्रों से अपने शरीर का और आराध्य देव की प्रतिमा या ध्यान कल्पित विग्रह का मार्जन करें। इसके बाद अघमर्षण मंत्र का जप करके वस्त्र पहनकर आगे का कार्य करें। पहले अंगन्यास कर मार्जन मंत्रों से मार्जन करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर नारायण मंत्र से प्राण संयम करके जल को नासिका से लगाकर सूंघे, फिर भगवान का ध्यान करते हुए जल का परित्याग कर दें। इसके बाद अर्ध देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादाक्षर मंत्र का जप करें, फिर अन्य देवता आदि का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। योगपीठ आदि के क्रम से दिक्पालक तक के मंत्रों और देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, मनुष्यों का तथा स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का तर्पण करके आचमन करें। फिर अंगन्यास करके अपने हृदय में मंत्रों का उपसंहार कर पूजन मंदिर में प्रवेश करें। इसी प्रकार अन्य पूजाओं में भी मूल आदि मंत्रों से स्नान कार्य संपन्न करें। देवताओं तथा भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि। नारद जी बोले, ब्रह्मर्षियों, अब मैं पूजा की विधि का वर्णन करूंगा जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें, फिर मौन भाव से रहकर सब ओर से अपनी रक्षा करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वस्तिक आसन या पद्मासन आदि कोई सा आसन बांधकर स्थिर बैठें और नाभि के मध्य भाग में स्थित धुएं के समान वर्ण वाले प्रचंड वायु रूप यह बीज का चिंतन करते हुए अपने शरीर से संपूर्ण पापों को भावना द्वारा पृथक करें। फिर हृदय कमल के मध्य में स्थित तेज की राशिभूत श्रव बीज का ध्यान करते हुए ऊपर नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से उस पाप को जला डालें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आकाश में स्थित चंद्रमा की आकृति के समान किसी शांत ज्योति का ध्यान करे और उससे प्रवाहित होकर हृदय कमल में व्याप्त होने वाली सुधामय सलील की धाराओं से जो सुषुम्ना योनि के मार्ग से शरीर की सब नाड़ियों में फैल रही है अपने निष्पाप शरीर को आप्लावित करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि करके तत्वों का नाश करें, फिर हस्त शुद्धि करें। इसके लिए पहले दोनों हाथों में अस्त्र एवं व्यापक मुद्रा करें और दाहिने अंगूठे से आरंभ करके करतल और करपृष्ठ तक न्यास करें। इसके बाद एक एक अक्षर के क्रम से 12 अंगों वाले द्वादशाक्षर मूल मंत्र का अपने देह में 12 मंत्र वाक्यों द्वारा न्यास करें। हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, घुटना, पैर, ये शरीर के 12 स्थान हैं। इनमें ही द्वादशाक्षर के एक एक वर्ण का न्यास करें, यथा ओम ओम नमः हृदये, ओम नमः शिरसि, ओम नमः शिखाय नमः इत्यादि। फिर मुद्रा समर्पण कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करके पूजन करें। बाएं भाग में जलपात्र और दाहिने भाग में पूजा का सामना रखकर अस्त्राय फट मंत्र से उसको धो दें। इसके पश्चात गंध और पुष्प आदि से युक्त दो अर्ध पात्र रखें, फिर हाथ में जल लेकर अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित कर योग पीठ को सींच दें। उसके मध्य भाग में सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्री हरि का ध्यान करके उस योग पीठ पर पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दिक्पाल तथा अधर्म आदि के विग्रह की स्थापना करें। मंडल और विमला आदि शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की कर्णिका में स्थापना करें। पहले अपने हृदय में ध्यान करें, फिर मंडल में आवाहन करके पूजन करें। आवाहन के अनंतर क्रमशः अर्ध, पाद्य, आचमन,
मधुपर्व, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवित, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि को पुंडराक्ष विद्या ओम नमो भगवते पुंडराक्षाय इस मंत्र से अर्पण करें। मंडल के पूर्व आदि द्वारों पर भगवान के विग्रह की सेवा में रहने वाले पार्षदों की पूजा करें। पूर्व के दरवाजे पर गरुड़ की, दक्षिण द्वार पर चक्र की, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और ईशान तथा अग्निकोण में शंख एवं धनुष की स्थापना करें। भगवान के दाएं बाएं दो तुनीर, बाएं भाग में तलवार और चर्म ढाल, दाहिने भाग में लक्ष्मी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कस्तुभ को स्थापित करें। मंडल के बाहर दिक्पालों की स्थापना करें। मंडल के भीतर और बाहर स्थापित किए हुए सभी देवताओं की उनके नाम मंत्रों से पूजा करें। सबके अंत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अंगों सहित पृथक पृथक बीज मंत्रों से और सभी बीज मंत्रों को एक साथ पढ़कर भी भगवान का अर्चन करें। मंत्र जप करके भगवान की परिक्रमा करें और स्तुति के पश्चात अर्ध समर्पण कर हृदय में भगवान की स्थापना कर लें। फिर ये ध्यान करें कि परम ब्रह्म भगवान विष्णु मैं ही हूँ। इस प्रकार अभेद भाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आह्वान करते समय आगच्छ भगवन आइए इस प्रकार पढ़ना चाहिए और विसर्जन के समय क्षमस्व हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा ऐसी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। ये भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया गया। अब नौ व्यूहों के पूजन की विधि सुनो। दोनों अंगूठों और तर्जनी आदि में वासुदेव, बलभद्र आदि का न्यास करें। इसके बाद शरीर में अर्थात सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, अंग, जानु और चरण आदि अंगों में न्यास करें। फिर मध्य में एवं पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करें। इस प्रकार एक पीठ पर एक व्यूह के क्रम से पूर्वत नौ व्यूहों के लिए नौ पीठों की स्थापना करें। नौ कमलों में नौ मूर्तियों के द्वारा पूर्ववत नौ व्यूहों का पूजन करें। कमल के मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव की पूजा करें।